अनु ऊर्जा विभाग राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, दो चीजें मैं जानना चाहूंगा आपसे। जैसे वैदिक गणित का बहुत समृद्ध इतिहास है और आपने उस पर बहुत काम भी किया है, तो कैसे इसको सरल तरीके से हमारे स्कूल के और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाए, ताकि भविष्य में हमारे जो अगले पीढ़ी के नौजवान तैयार होंगे वो इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। बहुत अच्छा, बैठ। नारायण श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महाराज ने वैदिक मैथमेटिक्स नामक ग्रंथ की संरचना की। वे 14 भाषाओं के विद्वान थे। चौदह वर्ष की आयु में संस्कृत भाषण में उन्हें सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई थी। एक वर्ष में उन्होंने 7 विषयों से प्रथम श्रेणी से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय एमएससी को एमए ही कहा जाता था। 15 वॉल्यूम उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स पर लिखा, लेकिन उनके भक्तों के घर में वे सब दीमक के भोजन बन गए। अमेरिका में उन्होंने मोतियाबिंद की स्थिति में जो गणित की एक प्रतिलिपि छोड़ दी थी, उसी को कालांतर में उनकी शिष्या मंजुला त्रिवेदी जो स्वामी नारायण संप्रदाय से संबद्ध गुजरात की थी, उन्होंने अमेरिका से पांडुलिपि मंगाकर उसे प्रकाशित करवाया। उसी का नाम वैदिक मैथमेटिक्स है। उसमें 13 सूत्र हैं, 3 कूट सूत्र हैं, फिर उपसूत्र हैं, सब मिलाकर 32 संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य हैं। उसकी व्याख्या उन्होंने अंग्रेजी में की। उनका शरीर मद्रास का था। भारतवर्ष में सरस्वती शिशुमन विद्या मंदिर जो आरएसएस के द्वारा संचालित है, उसके माध्यम से उड़ीसा आदि प्रांतों में वैदिक मैथमेटिक्स की आंशिक पढ़ाई 8वीं-9वीं कक्षा तक होती है, और 10 मिनट में जो प्रश्न का उत्तर लिखकर दिया जा सकता है आधे मिनट में लोग दे देते हैं। उड़ीसा में हमने कई बार इस प्रकार की कक्षा में स्वयं को सम्मिलित किया सुनने की भावना से। एक बार गोवर्धन मठ पुरी पीठ में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 100 अध्यापक गणित के आए थे। 5 दिनों तक उनका प्रशिक्षण चला था। मैं 2 घंटे नित्य वैदिक मैथमेटिक्स पर बोलता था।
फिर एक बार पूरे भारत के स्तर के जो विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में गणित के प्राध्यापक थे या रह चुके थे, वे मठ में आए थे। 3 दिनों तक उनका प्रशिक्षण चला था। वैदिक मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत सरल है और गणित के जितने प्रभेद हैं उन सब पर वे सूत्र क्रियान्वित होते हैं। जो जितनी गहरी डुबकी लगाने में समर्थ हो, वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन करके गणित का उतना विस्तार कर सकता है। भारत के बाहर के देशों में परमाणु विभाग आदि में वैदिक मैथमेटिक्स के सिद्धांतों का बहुत बड़ा उपयोग होता है, लेकिन भारत में एक बीमारी है। हमारी किसी भी विद्या को सांप्रदायिक कहकर शासन तंत्र तिरस्कृत कर देता है। ज्योतिष को भी वो सांप्रदायिक कह देता है, गणित को भी सांप्रदायिक कह देता है। अगर सनातन वैदिक हिंदुओं की परंपरा से कोई विद्या विकसित की जाती है तो शासन तंत्र उसी को सांप्रदायिक कहकर उपेक्षित कर देता है। भारत में वैदिक मैथमेटिक्स आज भी उपेक्षित है, लेकिन विश्व का जो अन्य तंत्र है हर विभाग में उस गणित का उपयोग करता है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी प्रसिद्धि कर दी गई वैदिक मैथमेटिक्स के जानकार के रूप में, समझ गए। वस्तुस्थिति यह है कि वैदिक गणित के 3-4 सूत्रों को केवल पढ़कर 1-2 ग्रंथ मैंने लिखा है वैदिक गणित पर। बाकी जो मेरे 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं वे 0 और 1 पर हैं। आजकल बाइनरी सिस्टम में जितनी भी संख्या हो उसका अंतर्भाव 0 और 1 में कर दिया जाता है, लेकिन ज्योमेट्री वाले प्रायः 0 को भाव अंक मानते हैं, फिजिक्स वाले प्रायः 0 को भावांक नहीं मान पाते। दोनों विधा में त्रुटि है। आजकल गणित के मौलिक सिद्धांत में ही बहुत त्रुटि है। आधारशिला ही गणित की दूषित कर दी गई है। मेरे जो 8 ग्रंथ हैं या 9 ग्रंथ वो 0 और 1 पर हैं। वैदिक सिद्धांत होने के कारण मेरे गणित के उन ग्रंथों को वैदिक गणित कहा ही जा सकता है, लेकिन जो वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में प्रसिद्धि है श्री भारती कृष्ण जी महाभाग के द्वारा विरचित वैदिक मैथमेटिक्स की, उस पर काम अभी हमने बहुत कम किया है। और हमारे कंप्यूटर में 50 पृष्ठ हमने वैदिक मैथमेटिक्स पर लिखा है और उसकी पूरी व्याख्या करने में अनुमान है कि 2000 पृष्ठ या 1500 पृष्ठ लग जाएं। उसकी बृहद रूप से व्याख्या करने का भी विचार है, लेकिन एक क्षण का पता नहीं कल क्या होगा। फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें तो जिन ग्रंथों का भी मैंने छुआ है उनको पूर्ण करने में 2.5-3 साल लग सकते हैं। उसके बाद 2-3 साल केवल वैदिक मैथमेटिक्स की अद्भुत ढंग से व्याख्या करने में समय लगाने का विचार है। और एक हर्ष की बात है, किसी भारती कृष्ण जी महाभाग से लोग पूछा करते थे उनके जीवन काल में कि आपने अपने गणित का नाम लिख दिया है वैदिक मैथमेटिक्स, और यह भी कहा कि शुल्ब सूत्र और अथर्ववेद से मैंने लिया है। उन्होंने श्रृंगेरी में रहकर वन में 8 वर्षों तक, जबकि वो गणित में MSc पहले से थे, 8 वर्षों तक तपस्या करके जो अनुसंधान प्राप्त किया उसी को उन्होंने समरी या सारांश के रूप में
वैदिक मैथमेटिक्स में अंकित किया है। कदाचित 15 वॉल्यूम और होते तब तो कहना ही क्या, लेकिन एक वॉल्यूम ही जो कि लगभग 400 पृष्ठों में है विश्व को समर्पित किए हुए है। तो विशेष प्रसन्नता की बात है कि जब उनसे कोई पूछते थे आपने इन सूत्रों को कहाँ से लिया, क्योंकि जो वेद उपलब्ध हैं आपके जीवन काल में उनमें कहीं भी एक सूत्र नहीं प्राप्त होता है, वह मुस्कुरा देते थे या मौन रह लेते थे। फिर कुछ गणितज्ञों ने यह भी उनकी समीक्षा की कि सारे सूत्र उनकी संरचना हैं, लेकिन वेदों को सम्मान देने के लिए उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स नाम दे दिया। मेरे सामने भी इस प्रकार के प्रश्न कई हाईकोर्ट के जस्टिस इत्यादि ने किया था, तो हमने 2 वर्ष पहले 10-15 दिनों का समय लगाया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सारे सूत्रों का स्रोत मुझे उपनिषद आदि ग्रंथों में प्राप्त हो गए हैं। मैं छिपा कर रखता हूँ क्योंकि भारत में चोरी बहुत होती है। मेरे ये ग्रंथ के थ्योरी को एक व्यक्ति ने 200 राष्ट्रों में पहुंचा दिया अपने नाम से, जबकि वो गणितज्ञ था ही नहीं, मध्य प्रदेश का ही एक व्यापारी ढंग का व्यक्ति 200 देशों में अपने नाम से पहुंचा दिया। फिर ये जो जबलपुर हाई कोर्ट में उसने पेटेंट कराने के लिए जजों को कुछ अंश मेरे स्वस्थ गणित का अंग्रेजी में अनुवाद कराना पड़ा। बाद में पूछा कि ये सब सूत्र कहाँ से तुमने लिए, ये विचार किसके हैं, उसके मुंह से निकल गया कि पूरी पीठ के नए शंकराचार्य जो हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं। तब वो चोर सिद्ध हुआ, उसको दंडित भी किया ऐसा पता चला है जबलपुर हाई कोर्ट ने। लेकिन मैंने एक बहुत प्रसन्नता की बात बताई कि 32 के 32 सूत्र हमको वेदादि शास्त्रों में सुलभ हो गए हैं। उसमें एक सूत्र है शिष्यते शिष्य संज्ञा उपसूत्र है, वो श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 3rd अध्याय के 25वें श्लोक का एक चरण है। तो वैदिक मैथमेटिक्स पर भारत में गुप्त रीति से तो बहुत काम होता है, लेकिन कलकत्ता आदि में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यापार का रूप दे दिया है वैदिक गणित को, वो करोड़ों रुपये वैदिक गणित के नाम पर कमाते भी हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वैदिक गणित का जो प्रारंभिक है रूप उसको क्रियान्वित किया गया है, जो भी उन बच्चों के द्वारा प्रश्न हल किए जाते हैं बहुत थोड़े समय में, देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमने बताया अभी 1,000 पृष्ठों की 1,500 पृष्ठों की गणित की सामग्री मस्तिष्क में है, लेकिन उतरने पर पता चलेगा कि क्या है। अब तक जो हमने काम किया है वैदिक गणित पर केवल एक ग्रंथ है मेरा, बाकी इस समय जो बाइनरी सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ी त्रुटि है, उसका भी शोधन हमने 2-3 ग्रंथों से किया है द्वयंग पद्धति नाम से। हमारे जो ग्रंथ हैं गणित के 9 प्रकाशित हैं या 10, वे सब के सब गणित की आधारशिला ही आजकल दूषित है उसके शोधन के लिए हैं। और भारती कृष्ण जी महाभाग ने जो वैदिक मैथमेटिक्स लिखा वो जटिल से जटिल प्रश्न को सूत्रों के माध्यम से चुटकी बजाकर मौखिक ढंग से कैसे हल किया जाए, इसका अर्थ है कि बैलगाड़ी या ट्रैक्टर की चाल से जो गणित की गति थी उसको उन्होंने हेलीकॉप्टर या राजधानी एक्सप्रेस का रूप दे दिया। तो मैंने एक संकेत किया, वैदिक मैथमेटिक्स की विशेषता यह है जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर मौखिक कम से कम समय में सूत्रों के माध्यम से देना, यह उनकी तपस्या की फलश्रुति है। मेरे जो गणित हैं वो बहुत जटिल हैं, क्योंकि गणित की जो आधारशिला दूषित हो गई, एक व्यापार की विद्या और दिशाहीन गति गणित को दे दी गई है, उसका शोधन करने के लिए गणित के मौलिक आधार
के शोधन और वास्तविक स्वरूप को विकसित करने वाले मेरे ग्रंथ हैं। मेरे ग्रंथ बहुत कठिन हैं, मैं ये कहता हूँ, उसको समझना भी कठिन है और कोई पढ़ना भी चाहे तो एकाएक नहीं पढ़ सकता। उसमें जो गंभीरता है उसका मैं रहस्य बताता हूँ। दर्शन के सारे सिद्धांत को, सांख्य योग और वेदांत के सिद्धांत को भगवान सूर्य की कृपा से हमने गणित में ढाल दिया है, समझ गए? सांख्य योग और वेदांत के सिद्धांत को गणित में ढाल करके उन ग्रंथों की रचना की गई। और एक हमारा संस्कृत में ही ग्रंथ है, उसकी हिंदी में व्याख्या भी कर दी गई है, गणित सूत्रम। मुझे जहाँ तक ध्यान है 300 से ज़्यादा सूत्र हैं, उसमें 60 या 62 सूत्र हमने वेदादि शास्त्रों से लिया है, बाकी सूत्रों की रचना मेरे द्वारा की गई है भगवत कृपा से। इस प्रकार वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर गोवर्धन मठ पुरी पीठ की प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 मूर्धन्य गणितज्ञ एक बार आए पुरी में, केवल मुझसे बात करने की भावना से 90 और 30 मिनट 4 बार में उन्होंने हमसे लिया। और उनका यह वाक्य था, वो अंग्रेज थे, कि विश्व में यदि 1% गणित है तो गोवर्धन मठ पुरी पीठ में 100% गणित है। लेकिन भारत सरकार को यह मालूम है, परंतु भारत सरकार हमको दबाने का प्रयास तो करती है। हमको सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन विद्या का भी कल अपमान करती है। क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए मेरे ग्रंथ पर भी भारत सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जबकि मैं अगर खुल के कह दूँ तो कम से कम 4000 वर्ष पहले जो गणित का विज्ञान भारत से लुप्त हो गया था या विश्व से, वह विज्ञान हमारे 8-9 वैदिक के गणित के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। लेकिन भारत सरकार की दृष्टि में पूर्व हो या वर्तमान हो, हमारा या हमारे गणित का कोई महत्व नहीं है। हाँ, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के भी गणितज्ञ आए, साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले पुनः दोबारा आए। इस प्रकार 3 बार तो 4 बार सब मिला के विदेशी व्यक्ति आए हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ। और जयपुर में 103 या 104 देशों के गणितज्ञ आए थे, वहाँ पर मेरे ही अध्यक्षता में वह कार्यक्रम चला था। पारसनाथ पांडे जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ ने आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 4-5 देशों के व्यक्ति आए थे, सब मिलाकर 110 देशों में लगभग हमारे गणित की चर्चा है, लेकिन भारत में चर्चा नहीं के बराबर। और कोई प्रश्न? वैदिक मैथमेटिक्स